कानपुर में दरिंदगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कांप उठेंगे। जी हाँ, एक 10 साल के मासूम को दरिंदों ने इतनी बेरहमी से हत्या की है, जिसे देख सुनकर इलाके के लोगों के साथ साथ उन पुलिस वालों का दिल भी कांप उठे हैं जो बॉडी का पंचनामा करने पहुंचे थे। दरअसल पूरा मामला कानपुर जिले के नरवल थाना क्षेत्र के बेहटा सकट गांव का है, जहां बीते सोमवार को लापता 10 साल के नाबालिग छात्र निशंस हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह गांव से महज 400 मीटर दूर एक खेत में ग्रामीणों को युवक का शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। नग्न अवस्था में मिला 10 साल के नाबालिग का शव। हत्या करने से पहले आरोपियों ने बच्चे को खूब तड़पाया। आरोपियों ने बच्चे के चेहरे को सिगरेट से जलाया। आरोपियों ने बच्चे की एक आंख भी निकाल दी। बच्चे की दूसरी आंख में 3 इंच की कील ठोक दी। गर्दन के पास मिले आरोपियों के जूते के निशान। शव के पास पुलिस ने बरामद की शराब की बोतल। मासूम के शरीर पर मिले जख्म के निशान बता रहे थे कि दरिंदों ने शराब के नशे में उसे जमकर पीटा। उसे इस कदर नोचा मानो किसी जंगली जानवर ने शिकार किया हो। खेत में शव काफी दूर तक घसीटा गया। उसकी गर्दन पर जूते के निशान मिले हैं, जिससे पता चलता है कि आरोपियों ने उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे जमीन पर रगड़ा था। परिजनों ने शव देखा तो उनकी रूह कांप गई। हर किसी का एक ही सवाल था कि आखिर इतनी बेरहमी से एक मासूम को किसने मारा और क्यों मारा, आखिर बच्चे का क्या कसूर था। तो वहीं अब पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। ये थाना नरवल अंतर्गत एक ग्राम है, जहां पर ग्राम से करीब 400 मीटर दूर एक सरसों के खेत में एक 10 वर्ष के नाबालिग बच्चे का नग्न अवस्था में शव मिला है, जिसके संबंध में उनके पिता की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और मौके पर पंचायतनामा करवा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया गया है। फोरेंसिक टीम भी अपनी कार्रवाई कर रही। जल्द से जल्द हम टीम गठित करके सर्विलांस टीम की मदद से इसका अनावरण करेंगे। वहीं इस निशंस हत्या मामले में अब पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने सोमवार को बच्चे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी, मगर पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की और परिजनों को दूसरे दिन शिकायत करने की बात कही थी, जबकि अगले ही दिन बच्चे का शव बरामद हुआ। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर पुलिस ने तत्काल कोई एक्शन लिया होता तो शायद मासूम आज अपने परिवार के साथ होता। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की उत्तम पुलिस कब तक मृतक मासूम के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।